नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है छठी जमात की उर्दू की मुआविन दर्श किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल लोक कहानियां। इस प्रोग्राम में पेश खिदमत है एक लोक कहानी, जैसी नीयत वैसा फल। ये अब से बहुत दिनों पहले की बात है। एक पहाड़ी इलाके में छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मालदार औरत रहती थी। लोग उसे लोलीना कहते थे। ये मालदार मगर बड़ी खुदगर्ज और लालची औरत थी। उसका घर पक्का और शानदार बना हुआ था। उसके महल के सामने एक गरीब बेवा का झोपड़ा था। उसका नाम जोसिया था। उस बेचारी के एक ना दो सात बच्चे थे। नौरोज के मौके पर भी जोसिया के घर में बस अल्लाह का नाम था। उसने मटके में से झाड़ कर आटा निकाला और रोटी पकाने बैठ गई। उधर लोलीना के घर कैसी चहल पहल थी। तरह तरह के पकवान पक रहे थे सब अजीज रिश्तेदार, इधर उधर के मेहमान जमा थे। हंस बोल रहे थे, खूब ठट्ठे लगा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। खुदा का करना उसी दिन शाम को बर्फ का तूफान आया। उस तूफानी मौसम में एक थका हारा और लाचार बूढ़ा जंगल से निकला और लोलीना के महल की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खटखटाया और बड़ी आजिजी से बोला, माई जी, आज की रात एक थके हारे बूढ़े मुसाफिर को अपने घर में टिका लो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। मगर लोलीना बूढ़े को देखते ही आपे से बाहर हो गई। बड़ी तुरशरुई से चीख कर बोली, चल हर हर दूर हो जा यहाँ से मुआ, आज ही के दिन मनु सूरत दिखाने को रह गई थी। उसने झटके से दरवाजा बंद किया, अंदर चली गई। बेचारा बूढ़ा इस बर्ताव से रुआंसा हो गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सामने टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। ये गरीब जोसिया की झोपड़ी थी। बूढ़ा उसी तरफ चल पड़ा। जोसिया ने बूढ़े को हाथों हाथ लिया, बेटी इज्जत की जगह बैठाया और बड़ी लजाजत से बोली, बाबा इस वक्त ढंग का खाना हम आपको ना खिला सकेंगे, जो कुछ रूखी सूखी है हाजिर है। आप बड़े शौक से आज की रात यहाँ आराम फरमाइए। खुश रहो बेटी, जीते रहो। बूढ़े ने जोसिया को दुआएं दी और बच्चों के साथ चूल्हे के पास बैठ गए। पास बैठो, आजा आजा।
चाहिए। जानते हो बंदर कैसे हंसते हैं? शाबाश, बड़े अच्छे अच्छे हैं। थोड़ी देर में बच्चों से घुल मिल गया और नकलें करके उन्हें खूब हंसाया। दूसरे दिन तड़के ही बूढ़ा रुखसत होने लगा। जोसिया ने रात के बचे खुचे रोटी के टुकड़े बूढ़े के थैले में रख दिए। बूढ़े ने चलते वक्त कहा, आज की सुबह जो काम भी शुरू करोगी वो बस सूरज डूबते ही खत्म होगा। अच्छा बेटा, अब चलता। अच्छा बाबा। जोसिया कुछ समझ ना पाई पर बूढ़े से कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। इतने में सातों बच्चे हाथ मुंह धो दस्तरखान के चारों तरफ बैठ गए। जोसिया परेशान हो गई। उसकी समझ में नहीं आता था कि बच्चों को क्यों कर बहलाए। रात के बचे खुचे टुकड़े बूढ़े के थैले में डाल चुकी थी। अचानक उसे एक बात याद आई। उसके बक्स में लिलन का एक अच्छे किस्म का थोड़ा सा कपड़ा रखा था। उसने सोचा, लाओ इसी को लोलीना के हाथ बेचाऊं, कुछ पैसे मिल जाएंगे। इन पैसों से बच्चों के पेट का सहारा हो जाएगा। बक्स खोलकर उसने जी में कहा, हाँ लाओ जरा इसको नाप कर तो देखो कितना होगा। पर अब वो नाप रही है, नाप रही है, बराबर नापे जा रही है। कपड़ा है कि खत्म ही नहीं होता। ऐसा लगता था कि जैसे सफेद दूध का दरिया है जो उसके बक्से से उबल पड़ा है। थोड़ी ही देर में उसकी झोपड़ी कपड़े से भर गई। दोपहर को जोसिया ने अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। उस सफेद लिलन से झोपड़ी ठसा ठस भरी थी। आंगन भरा था। आंगन से बाहर सड़क पर सफेद लिलन के ढेर थे। मजे की बात यह है कि बक्स में से जोसिया ने नापने के लिए जो कपड़ा उठाया वो जू का तू मौजूद था। आखिर शाम हुई। सूरज का सुर्ख गोला पहाड़ों के पीछे जा छुपा और जोसिया का बक्स आप से आप बंद हो गया। जोसिया ने ये सारा कपड़ा बेच डाला। बहुत बड़ी रकम हाथ आई। उसने नया मकान बनाया और बाल बच्चों समेत बड़े आराम से रहने लगी। लोलीना को जब जोसिया की ये कहानी मालूम हुई तो बहुत पछताई और अपने को कोसने लगी। उसे क्या खबर थी कि ये मुआ बुढ़ा खूसट जादूगर था। उसने दिल में ही कहा, खैर जो हुआ सो हुआ। अब कि वो बूढ़ा इधर आ निकला तो मैं जरूर उसकी तलाफी करूंगी। आखिर खुदा खुदा करके नए साल का दिन फिर आया। हर तरफ खुशी ही खुशी, हर तरफ पहल।
लीना ने सुबह ही सुबह अपने बच्चों को गांव से बाहर भेज दिया और ताकीद कर दी कि बड़े मियां को देखते रहें। बच्चों सुनो सुनो, जाओ जाओ। इत्तेफाक की बात, आज रात को भी बर्फ का तूफान आया। बच्चे भागते हुए घर की तरफ दौड़े और बताया कि अम्मी अम्मी, हाँ, बड़े मियां गांव की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, ये खुशखबरी सुनते ही लोलीना दौड़ती हुई सड़क पर आ गई और जूं ही बड़े मियां नजर आए बढ़कर सलाम किया और बड़ी आजिजी से बोली, सलाम, क्या आज आप मेरे गरीब खाने पर आराम फरमाकर मुझ पर एहसान करेंगे? भला पिछले साल तुमने इतना रूखापन क्यों दिखाया था? बाबा, पिछले साल मैं नहीं, मेरी बहन होगी। अच्छा अच्छा। उस जमाने में घर का सारा इंतजाम उसी के सुपुर्द था। हम दोनों की शक्लो सूरत एक दूसरे से मिलती जुलती है, मगर हमारी आदतें बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिलती। वो जिस कदर रूखे मिजाज की है, उतना ही मेरे दिल में खुलूस और इंसानियत का जज्बा है। लोगों का दिल जैसा होता है, जैसी नियत होती है, उसी के मुताबिक उन्हें फल मिलता है। वो लोलीना के यहां रात गुजारने पर राजी हो गया। अब क्या था, बूढ़े की खूब आवभगत की गई, पर उसमें खुलूस से ज्यादा बनावट झलकती थी। दूसरे दिन सुबह तड़के यहां से रुखसत होते वक्त बूढ़े ने कहा, आज की सुबह जो पहला काम तुम शुरू करोगी जी, वो शाम तक खत्म कर पाओगी। अच्छा बेटी, चलता हूं। लेकिन लोलीना जानती थी चलते वक्त बूढ़ा यही बात कहेगा। उसने पहले से तैयार अपने बक्स में ऊन का एक कीमती कपड़ा रख छोड़ा था। वो बड़ी तेजी से कपड़ा निकालने बक्स की तरफ जा रही थी। रास्ते में पानी से भरी बाल्टी रखी थी, जल्दी में बाल्टी में ठोकर लग गई, सारा पानी गिर गया। इधर बच्चों को प्यास लगी, घर में पानी था नहीं। उसने सोचा, लाओ पहले पानी भर लाओ। पानी भरकर लौटी तो सीढ़ियों पर पांव फिसला, भरी बाल्टी उलट गई। लोलीना उल्टे पैरों लौटी, कुएं से दूसरी बाल्टी भरकर लाई, मगर सीढ़ियों पर पहुंचकर फिर वही बात हुई। वो फिर गई, फिर यही सूरत पेश आई, झल्ला गई और झल्लाहट में न जाने कितनी बाल्टियां भर लाई। बहुत संभल कर, बहुत एहतियात से गिन गिन कर कदम रखती, मगर बाहर न जाने कैसे कोई ना कोई बात हो जाती और सारा पानी उलट जाता। थक कर और आजिज आकर लोलीना ने बच्चों को मदद के लिए बुलाया। सुनो सुनो बच्चों, उनके साथ भी यही हुआ। पड़ोसी पदक के लिए आए, वो भी ना कह रहे। सारा दिन इसी तरह बीत गया।
शाम होने को आई तो जोसिया भी मदद को पहुंची। वो भरी बाल्टी लेकर सही सलामत गुजर गई। पानी का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरा। पर वो बाल्टी कमरे के कोने में रखने भी ना पाई थी कि सूरज ने अपना लाल चेहरा पहाड़ियों के पीछे छुपा लिया। लोलीना बेचारी को इतना वक्त ही ना मिला कि अपने कपड़े की नापतोल करती। बूढ़े मुसाफिर ने सच ही कहा था, जैसी नियत वैसा फल। जैसी नियत वैसा फल। अभी आप सुन रहे थे ये लोक कहानी। एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नौमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक, फनकार नीरज शर्मा, मंजू मैनी, राम मैनी, सबिया खान, अमन, अर्पित और तृप्ता, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, एडिटर बटिलेंग लिंगदो, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे और अमिता भट्टी, टेक्निकल कंट्रोल A.N. सक्सेना, असिस्टेंस इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी, प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।